बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ हाफिज़ अतीक रहमान और आज आपको लेकर आया हूँ हमारे इलाके की सबसे बेस्ट शॉप पे। ये बेसिकली शू के हवाले से एक नई शॉप बनी है। अगर हम इस कारोबार को देखें तो इसमें तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कोई भी कारोबार जब हम छोटी सतह पर शुरू करना चाहेंगे तो उसको कम इन्वेस्टमेंट से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आए हैं, हम आपको रिव्यू करवाएंगे शॉप का, उनके ऑनर से हम बात करवाएंगे, ये हमारे साथ रहिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आज आपके पास आए हैं आपके सेंटर में। अच्छा, आपका ये जो सेटअप है अभी माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ, कितना अर्सा पहले स्टार्ट किया? ना पहले जो है चालीस साल से काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो नया शोरूम बनाया है तकरीबन 3 से 4 साल तो हो गए। अच्छा, इस हवाले से मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो सेटअप है, ये जो कारोबार है, अगर कोई बंदा इसको करना चाहता है तो इसके लिए बाकायदा कोई ट्रेनिंग चाहिए या फिर सीख के आएगा, या जैसे आप तो माशाल्लाह हमारे साथ करते हो, आप आगे बिजनेस में आप क्या कहते हैं? जी मैं तो यही कहूँगा कि जनाब कोई भी काम हो उसके लिए टाइम तो लगता है। आप कोई भी काम सीखते हैं उसका कम से कम जो है ना आपको टाइम उसके लगेगा, पहले आप सीखेंगे उसके बाद ही आप अच्छी तरह से गाँव को जो है ना वो अपना जी मौजूदा टाइम पे जैसे गार्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो गया, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया, आपको क्या लगता है कि इस कारोबार में कोई बंदा आसानी से जो है वो ईजीली कर सकता है? जी जैसे इजी तो कोई काम भी नहीं होता, लेकिन ये है कि हम लोग जो है ना हमारा इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, काफ़ी अर्से से हमारे वाले साहब जो ये काम कर रहे हैं। तो इसमें सामान है ये सारा खुद मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं या परचेज करके लाते हैं लाहौर से या किसी और सिटी से? कहाँ से परचेज? लाहौर से ही परचेज करते हैं, फैक्ट्रियों से भी लेके आते हैं। इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा मुझे बताएं, वैरायटी है यहाँ पे मुझे नज़र आ रही, इसके हवाले से थोड़ा सा मुझे बताएं, ये क्या क्या कहलाती है? सैंडल्स वगैरह? ये जनाब हम लोग जो है ना ये ज्यादा ये सारी जो लगी हुई है ये पियो सोल है, उसके अलावा हर तरह की मतलब के वैरायटी लेलन में भी है, पियो सोल में भी है और बाटा सर्विस में भी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें ये कुछ लेडीज का भी है, इसको क्या कहेंगे हम? ये खुशा नमा शूज है जी, तो इसमें फैंसी वैरायटी भी हमारे पास लगी है और इससे पीछे जो है हमारे पास हर तरह का जोगर और बूट और फैंसी फुसा शूज और लेलन की और पियो सोल की तमाम तर वैरायटी मौजूद है। ठीक हो गया। तो इसके अलावा हम अगर यहाँ पे देखें ये क्या है, ये सैंडल्स वगैरह? हाँ, ये पियो सोल है, पियो सोल की जूती है। ठीक है। अच्छा, मैं अगला सवाल आपसे ये कर रहा था कि मतलब कोई बंदा अगर ये कारोबार स्टार्ट करना चाहता है, आपके पास तो बड़े लेवल पे आपका कितनी इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट करें? भाई इसमें तो जितना पैसा हो आप उतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा जितना है उस हिसाब से आपको जो है ना वो प्रॉफिट होगी, लेकिन वो तकरीबन इसमें जो है आपके पास 5-6 लाख रुपया हो तो आप एक अच्छा काम। कोई भाई अगर मिसाल के तौर पे जिसके पास 5-6 लाख रुपया नहीं है, मिसाल के तौर पे 2-3 लाख रुपए से वो स्टार्ट करना चाहिए कर सकता है? तो वो ज़्यादा फैंसी वैरायटी उसमें नहीं है कि आप पियो सोल और जो है ना वो लेलन वगैरह और आम सादा सिंपल पियो पियो सोल क्या चीज़ है इसके बारे में? पियो सोल जो होता है ये इसका जो है ना चाइना से कारखाने वगैरह, पहले ये चाइना में तैयार होता था और अभी जो है इसके कारखाने जो हैं वो चाइना से जो है ना वो एक्सपोर्ट किए गए हैं और उसके बाद जो है ना ये लाहौर में ज़्यादा लकड़ मंडी में माल जो है ना कारखाने लगे हुए उधर ही सारा माल तैयार होगा। तो इसके लिए आप क्या समझते हैं कि किस लोकेशन पे इस तरह की दुकान हो तो चल सकती है? ये तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं, अगर आप कहीं अच्छी मेन जगह पर बैठेंगे तो आपका बिजनेस जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपसे कुछ सवाल ये भी करना चाह रहा था कि मिसाल के तौर पे कुछ लोगों की रूमर्स आ पाए हैं, बस में सच्चाई नहीं है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो है वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। जी जी, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी जो हमें हमारा जो है ना वो ये है कि अबू जो काम कर रहे हैं ये वो काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं और ऐसे करते हैं तो फिर उसमें आपको तजर्बा हो जाता है, लेकिन हमारे पास जो है ना वो अच्छी वैरायटी लगा लेके आते हैं, वो क्लेम अगर कोई हो तो उसका बता देते हैं इसका क्लेम होगा, और अगर कोई चीज़ है जिसका मतलब के क्लेम हमें पीछे से नहीं मिलता वो हमें बता देते कि इसका क्लेम। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं ही हूँ, मैं कोई शादी वगैरह के लिए शॉपिंग के लिए जाता हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि मैं सर्विस पे जाता हूँ या बाटा पे जाता हूँ, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि क्वालिटी अच्छी है। जी बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि एक लोकल जो कस्टमर है वो मतलब उसको वो क्वालिटी अपना माइंड लेके यहाँ पे आता तो वो चीज़ मिल सकती है जो सर्विस या बाटा वाली? जी बिल्कुल जनाब, हम जो है ना वो बाटा सर्विस के मुकाबले का हमारे पास जो माल है और उसके पास बाटा सर्विस भी हमने रखा हुआ है,
लेकिन आप उस मियार का माल भी हमसे जो है ना वो उम्मीद रख सकते हैं और हमारे पास अच्छा माल है। मिसाल के तौर पे एक जो शूज है वो बाटा से मैं खरीदता हूँ, उसकी कीमत है वहाँ पे 1500, 2000, 3000, आप सेम वही शूज उस क्वालिटी का कितने में यहाँ पे सेल कर? वो तकरीबन हाफ कीमत में हम इधर 800-900 हज़ार के आसपास आपको मिल जाएगा, लेकिन वो जो है ना उसकी गारंटी होगी और वो माल जो है ना वो पका होगा। कितनी गारंटी होगी? गारंटी जो है वो यही होती है कि एक सीजन की होती है गारंटी। एक सीजन के अंदर अंदर अगर वो टूट जाता है तो आप उसको क्लेम करते हैं? हाँ, जो माल की गारंटी मिल रही है उसकी गारंटी वो हमसे वापस नहीं किया है। नहीं नहीं, ये गलत बात है। असल बात ये है कि अगर हम जिस चीज़ की गारंटी देंगे उसका क्लेम ज़रूर होगा और जिसकी गारंटी नहीं देंगे उसका क्लेम नहीं होगा। तो अभी रजाक भाई भी हमारे पास खड़े हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी तो इन्होंने शहर तक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जिन्होंने भी जिन्हें सस्तियाँ तो प्यारी जुतियाँ लैनी हो शाम पर रब्ता करो। इम्तियाज़ भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने कीमती टाइम दिए। यदि दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।